रिसेंटली WSOP के फिफ्थ इवेंट का एक ट्वीट काफी वायरल हो चुका था। वो ट्वीट में ये था कि किसी ने टेबल पे कलर अप का कहा। जब कलर अप का कहा तो जो नया डीलर था उसने ये कर दिया कि टेबल की सारी चिप्स को मिक्स कर दिया और फिर अकॉर्डिंग टू कलर्स उसे अरेंज करने लग गया। इवेंचुअली ही वॉज फायर्ड। तो ये क्यों हुआ एंड व्हाट इज एक्चुअली कलर? सो कलर अप ये होता है ना कि यूजुअली टेबल पे जब बहुत सारी चिप्स हो जाती है टेबल के ऊपर, तो यूजुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक स्टार्ट ऑफ द ब्रेक होता है उसके ऊपर सब चिप्स जो स्मॉलर डिनोमिनेशन की होती है उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ चिप ऑफ अ हायर डिनोमिनेशन। मतलब क्या कि अगर टेबल पे 10, 20, 50 की सारी चिप्स है तो कहेंगे कि चलो एक काम करते हैं, अभी आप 500 की चिप्स ले लो और आपकी सब 10 की चिप्स रिटर्न कर दो। इससे क्या होता है कि टेबल पे कम चिप्स हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? एक इसलिए ऐसा करते हैं कि टेबल पे बहुत सारी चिप्स हो जाती है तो प्लेयर्स को भी मैनेज करने में डिफिकल्ट होता है। फिर यूजुअली टूर्नामेंट में ऐसा होता है कि प्लेयर्स को अपने टेबल्स चेंज करने होते हैं, तो अगर बहुत सारी चिप्स होगी तो दे कैन नॉट मैनेज टू शिफ्ट द टेबल। एंड थर्ड है, काफी बार सब लोग अपने माउंटेन्स बना के रखेंगे चिप्स स्टैक का, तो काफी इंटिमिडेटिंग हो जाता है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई यूजुअली कलर अप हैपेंस।